अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है जी? मेरा नाम महमूद वाघेला है, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? गुजरात से। इधर का है? इधर मैं यहाँ पे जिद्दा में एक प्राइवेट पेंट कंपनी में काम करता हूँ। पेंट कंपनी में? हाँ जी। ये फर्स्ट टाइम आया इधर? जी ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। हमारी कंपनी के एक उमर भाई करके और यहाँ पे एक अलरियान में एक साहब है, उन लोगों के जरिए से आया हूँ। इससे पहले हम लोग इलीगल आते थे, मगर उन्होंने बताया कि हजवल फेयर कमेटी जो है अपना, उससे आप जाओ तो खिदमत करने का अच्छा मौका मिलेगा। और ये देख के मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि ये मौका मुझे मिला। और आने वाले साल इंशाल्लाह और भी बहुत हमारे भाई आएंगे, फिर मौका मिलेगा। दूसरा ये मैं देख के बहुत खुश हुआ, और जहाँ जहाँ पे गए, जहाँ जहाँ पे भी हमने मदद की, या पूरी दुनिया की जो भी हाजी आ रहे हैं, इसमें वो लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई जो इंडिया का जो हज वेलफेयर कमेटी के जो ये है, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा है। इतना इंतजाम किसी भी कंट्री ने नहीं किया है। यहाँ के हाजी को ले जाना, उठा के ले जाना, व्हीलचेयर से ले जाना, तो बहुत अच्छा हमारी इंडिया ने। मगर आपके माध्यम से मैं ये इंडिया गवर्नमेंट को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हज वेलफेयर कमेटी जो आयोजन कर रहा है, उसको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हेल्प कर सके, कुछ फाइनेंशियली है ये वो, तो इस आने वाले साल में बहुत अच्छा इंतजाम होगा। तो आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडियन एम्बेसी या इंडियन हज कमेटी जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो जो वेलफेयर कमेटी के जो ऑर्गेनाइज है, उनको फाइनेंशियली तौर पे कुछ हेल्प करे तो इससे अच्छा इंतजाम होएगा। आप कल क्या क्या कर दिया? कल मैं यहाँ से, कल रात को मैं 2 बजे यहाँ से चला गया, और फिर शाम को 8 बजे ईशा के बाद में वापस आया, यानी कि 14 से 16 घंटा में ड्यूटी किया। क्योंकि वहाँ से वापस आने की कोशिश ही नहीं, आने की कोशिश कर रहे हैं तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई हाजी मिसिंग हो जा रहा है, तो उनको छोड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ से दूसरे पकड़ ले रहे हैं। तो ऐसे और हमारा एक ड्यूटी है, हम जो खिदमत के लिए जा रहे हैं, तो हम जल्दी नहीं आ सकते। और वहाँ पे ये आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन है जी? है। ओके, थैंक यू।